मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप से बरी युवक जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ गया है। युवक का कहना है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे से उसे फंसाया है, जिससे उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है। युवक ने पुलिस अभिरक्षा और मुकदमे की पैरवी में हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। भूख हड़ताल पर बैठे जिले के बंगापानी तहसील के सिलिंग गांव के मनोज कुमार ने बताया कि 2010 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने देहरादून पुलिस को फोन कर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मनोज को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके चलते उसे 4 महीने जेल में गुजारने पड़े। हालांकि बाद में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मनोज को दोष मुक्त करार दे दिया। मनोज का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने उसके साथ पूरी तरह से मारपीट की, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। साथ ही करीब 6 साल चले मुकदमे में उसके 15 लाख रुपए भी बर्बाद हो गए। मनोज ने सरकार से हर जाने के तौर पर नौकरी दिए जाने के साथ ही उसके भविष्य से खेलने वाले पुलिस कर्मियों को सजा देने की भी मांग की है। मैं 2010 में देहरादून डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री निशंक को धमकी देने के आरोप में झूठा केस में फंसाया गया था और उनके द्वारा फंसाए गए झूठे केस में मुझे 4 महीना जेल में रहना पड़ा और 7 साल झूठे केस में मुकदमा जहाँ लड़ना पड़ा। दूर दराज पिथौरागढ़ से देहरादून बार बार 15 दिन में तारीख में जाना पड़ा और न्यायालय से सच्चाई जानने की गुहार लगाते रहा मैंने, और लगाने के बाद मुझे अदालत ने 11 जनवरी 2017 को बरी कर दिया। उसके बाद मेरे साथ जो हुए अत्याचार के खिलाफ मैंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल को न्याय के लिए मांगा था, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। कहीं से न्याय न मिलने के कारण मैं भूख हड़ताल में बैठा, जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होती मेरी यह संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि 2010 से वर्तमान समय तक जो मेरी आर्थिक नुकसान है उसकी मुआवजा दिया जाए और जो मेरे कान पे मारपीट किया गया है उसके ऑपरेशन है उसमें 3 लाख रुपए खर्चे लगने उसकी भी मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि मनोज इन सभी मांगों को लेकर इससे पहले 26 जनवरी 2018 को भी आमरण अनशन कर चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा देकर उसे अनशन से उठवा दिया गया। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।